हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चेन पर। तो अगर आप एनआईओएस डेलेट के कैंडिडेट हैं तो ये आने वाला जो हफ्ता है वो आपके लिए बहुत बड़ा हफ्ता होने वाला है, क्योंकि इसी हफ्ते में आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि एनआईओएस डेलेट के कैंडिडेट वैलिड हैं किसी भी टीचर वैकेंसी के लिए या फिर वो वैलिड नहीं है। उसकी फाइनली डेट आ गई है कि किस दिन आपका जजमेंट आ रहा है, किस दिन आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि हम टीचर वैकेंसी के लिए पात्र हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यतो धर्म अस्ततो जय। ठीक है, यहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं और एनआईओएस डेलेट के जो कैंडिडेट हैं वो यही चाह रहे हैं कि फाइनली चाहे जितना लेट लगे हमारे जजमेंट आने में, लेकिन वो जजमेंट हमारे फेवर में आए। तो अब ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि 28 नवंबर की डेट यहां पर आ चुकी है। आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट से, सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट आपको टॉपर्स इन यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप तुरंत के तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। और अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, आप उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 28 नवंबर 2023 का दिन आप सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि इसी दिन जो है जजमेंट आएगा कि एनआईओएस डेलेट वाले जो छात्र हैं वो किसी भी गवर्नमेंट टीचर के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो 7 नवंबर 2023 को हुई थी, जस्टिस बीआर गवाई और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में हुई थी। और यहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं, ये जो आपका केस स्टेटस है ये पेंडिंग है, मोशन हियरिंग फॉर जजमेंट हियर्ड एंड रिजर्व्ड आईए अलाउड, ये चीजें लिखी है। यानी कि 28 तारीख का जो दिन है वो काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो आप सभी लोग अगर अनाउंस डेट के कैंडिडेट है तो भगवान से प्रार्थना करिए कि आप लोगों के फेवर में आए। फिलहाल अगर आप मेरी बात मानोगे तो भाई अनाउंस डेट के केस में मैं शुरू से कहते आ रहा हूं 1% की कोई भी कमी नहीं, बशर्ते जो अनाउंस डेट के जो कैंडिडेट है या अनाउंस डेट के जो वकील हैं वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से जज साहब के सामने वो रख लिए हों तो ज्यादा अच्छी बात। अगर उन्होंने अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख दिया है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट वो रख दिए हैं, तो अनाउंस डेट की जीत बिल्कुल ही निश्चित है। अगर वो नहीं रख पाएंगे तो फिर अलग कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं तो मैं अपने तरफ से बताऊं तो एनआईओएस डेलेट की जो जीत है वो 99.9% जो है बिल्कुल निश्चित है, जीत होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। एनआईओएस डेलेट के जो भी छात्र हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अब जो है आपकी फैसले की घड़ी आ गई है, 28 नवंबर को आपको फैसला देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दें कि इस पर सुनवाई बहुत दिनों से चल रही है, जब से एनआईओएस डेलेट का केस कंप्लीट हुआ है, जिस भी स्टेट में वैकेंसी आती है एनआईओएस डेलेट के छात्र वहां के हाई कोर्ट में केस करते हैं, हाई कोर्ट में उनको जीत मिलती है, तकरीबन जितने भी हाई कोर्ट हैं सब जगह एनआईओएस डेलेट को जीत मिली है। अब बारी जो है सुप्रीम कोर्ट की है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अनाउंस डेट को जीत मिल जाती है तो फिर उसी दिन से जो है सारे वाद विवाद सब खत्म हो जाएंगे। तो बाकी आप लोग बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि 28 तारीख को आप लोगों की जीत जरूर हो जाए। बाकी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।